हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम सीखने वाले हैं 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक बनाना। देखिए, ये हमने 2 पार्ट के फैब्रिक लिए हैं। ये अपर बॉडी के लिए फैब्रिक लिया है, ये लाइनिंग है। हमें 12 इंच का फैब्रिक इस तरीके से और 10 इंच का फैब्रिक हमें लेंथ वाइज लेना है। हमें इसे मिड में से इस तरीके से उठाना है। हमें 4 पे मार्क किया, ये शोल्डर हुआ और ये हमने यहीं से 4 पे मार्क करेंगे। ये आर्म होल के लिए मार्क करेंगे हम। हमें यहाँ से इस तरीके से एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट। ये 6 इंचेस की हो गई लाइन। ये हम आर्म होल के लिए शेप दे दी। अब हमने इस तरीके से आर्म होल की ये लाइनिंग है। अब हम नेक के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। बैक नेक के लिए ये 1.5 इंच और 2 इंच का निशान है, इसे हम राउंड शेप दे देंगे। अब हमें यहीं से इसी तरीके से 2.5 पे एक मार्क करना है और एक सीधी लाइन खींचते हुए इसे इस तरीके से मिलाते हुए एक राउंड शेप देनी है। ये हमें फ्रंट नेक के लिए है। अब यहाँ से हमने 5.5 पे यहाँ पे टिक किया और इसे अब हम आर्म होल के इस तरीके से शेप मिलाते हुए इसे एक करेंगे। हम इस जगह से 1 पे निशान लगा के इस तरीके से गोलाई देते हुए अब इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। हमें दोनों पार्ट एक साथ कट करने हैं। हमें 1 से 1.5 साल के बच्चे के फ्रॉक बनाने के लिए 1/2 मीटर का फैब्रिक चाहिए लाइनिंग के लिए और 1/2 ही मीटर का फैब्रिक चाहिए हमें मैन फैब्रिक। ये हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। यह हमारा अपर बॉडी पार्ट का लाइनिंग कट गया है। अब हम मेन फैब्रिक लिया है। ये हमने ये मेन फैब्रिक भी उतना ही लेना है जितना हमने लाइनिंग के लिए लिया था। इस तरीके से इसे फोल्ड करके अब इसे भी हम यहाँ से 6 इंच है और ये हमने 10 लिया है। देखो, अब हम इधर से बंद की तरफ से हमें गला काटना होता है, ओपन साइड से हम आर्म होल निकालते हैं हमेशा। 4 इंच पे मार्क किया और इधर से भी हमने 4 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल की शेप के लिए हमें इस तरीके से लाइन खींचनी है। 2 इंच पे हमें नेक के लिए लेना है, फर्स्ट 1.5 इंच पे बैक के लिए और मेन फ्रंट के लिए हमें 2.5 इंच पे। यहाँ से 10 इंच पे हमने निशान लगाया और देखिए, हमने 1 इंच पे निशान लिया था तो 10 इंच से ऊपर की तरफ 1 इंच लेते हुए हम गोलाई लेंगे। हमने इसको स्ट्रेट कर लिया, ये देखो। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा अपर बॉडी पार्ट के लिए फैब्रिक, मेन फैब्रिक कट जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यह हमें बीच का जॉइंट था, इसे हमने कट कर दिया है। अब हम फ्रंट वाला नेक हमने नहीं काटा था, 2.5 इंच का था जो। अब हमें इसमें से इसका फ्रंट वाले फैब्रिक के लिए उठाना है और इसे इस तरीके से रखना है। ये अपर पार्ट और लाइनिंग दोनों को एक साथ रखते हुए हम 2.5 इंच ले पे जो मार्क है उसको डार्क करके कट कर लेंगे। ये हमारा अपर बॉडी का पार्ट रेडी हो गए हैं कट के। अब हमें इन्हें ना पिनअप करना पड़ेगा पहले, नहीं तो ये साटन का फैब्रिक है और नीचे का फैब्रिक भी थोड़ा फिसलने वाला है तो ये कॉटन होता तो रुक जाता, पर ये फैब्रिक इस तरीके के हैं ये रुकेंगे नहीं। अब हमें बॉटम पार्ट के लिए
फैब्रिक लेना है। ये हमें लाइनिंग है, ये हमने 25 इंच ली है और 9 इंच इसकी लेंथ ली है। इस तरीके से हमें इसे नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों पट्टियों को आखिरी तक फोल्ड करके रखना है। और अब हमें फोल्ड करने से पहले हमें इसके मिड पॉइंट पे एक मार्क करना है। ये हमें नॉच लगा दिया बीच का ध्यान रखने के लिए कि ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे हमने नॉचेस लगाए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये हमारा लाइनिंग के पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा। ये देखो हमने लाइनिंग 9 इंच ली थी, इसमें 11 इंच ली है और इस तरीके से इसमें 28 इंच ली है। अब हमें इसे लाइनिंग की तरह फोल्ड करना है और इसके मिड में नॉचेस लगाना है। सेंटर में नॉचेस लगाएंगे हम, ये देखो। अब हमें पहले इन सब पार्ट चारों पार्ट्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। चारों पार्ट अच्छे से फोल्ड होने चाहिए और इक्वल आने चाहिए। ये ऐसे नहीं हो कि कोई पार्ट बड़ा है कोई पार्ट छोटा है फोल्डिंग में, ऐसा हो। ये चारों पार्ट एकदम बराबर बराबर फोल्ड होने चाहिए। मैंने 1/4 का फोल्डिंग ली है। चारों पार्ट फोल्ड होंगे, अब हम इन्हें चारों को अब बॉडी तैयार करेंगे। यहाँ पे कच्चा करना है, कच्चे करने की जगह हम पिनअप करेंगे इन्हें। शोल्डर पे पिनअप करेंगे, मिड में पिनअप करेंगे। देखो शोल्डर पे हमें पिनअप करके इसको स्टिच लगा दिया। अब हम बाकी के पार्ट को बॉडी को पिनअप कर रहे हैं। दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से पिनअप करना है। पिनअप करने से मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक हिलेंगे नहीं। अब देखो हमें इन दोनों शोल्डर को यहाँ पे एक पहले कट लगाना है बीच में। अब इसको फिनिश करना है हमें एक पट्टी की हेल्प से। इस तरीके से हम इसको स्टिच करके इस तरीके से काट के और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा देंगे फोल्ड करके। ये हमारी ये रेडी हो गई है। हम दोनों शोल्डर को आपस में जोड़ लेंगे। अब इधर हम बायस पट्टी, ट्रू बायस पट्टी हमेशा 45 डिग्री के एंगल की होती है। ये बायस पट्टी लिया हमने, नेक को इस तरीके से स्टिच कराया है। अब इसे इस तरीके से करते हम फोल्ड करके नेक फिनिश करेंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक के ऊपर आर्म होल स्ट्रिप्स इस तरीके से सेट करी है। फ्रंट साइड से लेके हमें बैक साइड पर घुमाते हुए आर्म होल फिनिश करना है। ये देखो ये हमारा आर्म होल फिनिश हो गए हैं। ये हमारे पार्ट ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसके मिड पॉइंट पार्ट में नॉचेस लगाएंगे और ये देखो हमने फिनिश करे थे स्टिच लगा के। मैन फैब्रिक और ये वाला बिल्कुल सेंटर पार्ट से आपस में इस तरीके से जॉइंट लगाएंगे और इस तरीके से कुछ प्लीट्स बनाएंगे ताकि वो घेरी का काम कर सके फ्रॉक के बॉटम पार्ट की घेरी रेडी करने के लिए। अब हम फ्रॉक का बॉटम पार्ट की घेरी तैयार करेंगे। देखो कटिंग के बाद बॉडी का अपर पार्ट 11 इंच का है तो हमारी घेरी भी 11 इंच की ही तैयार होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। दोनों घेरियाँ हमने तैयार करनी है।
दोनों घेरिया तैयार हो जाएगी। अब हमें इन दोनों को कि हमारा इस तरीके से रखना है और यहाँ स्टिच लगा के इसको सीधा करना है, और ये वाली पार्ट भी इस तरीके से ही रखनी है और एक स्टिच लगानी है और फिर इसे सीधा करना है इस तरीके से। यहाँ पे तो आप आराम से स्टिच लगा लेंगे, यहाँ पे स्टिच लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आधा इंच का मार्जिन लेते हुए रखें, आधा इंच स्टिचिंग में जाना चाहिए क्योंकि ये जॉइंट है, यहाँ से खुलने का डर रहता है इस तरीके से। अब इधर भी इसी तरीके से हम दोनों को आपस में जॉइंट करते हुए स्टिच लगाएंगे। क्या अब हमें स्टिच लगाने के बाद फ्रंट साइड में डेकोरेटिव लेस लगानी है। ये हमारी डेकोरेटिव लेस है जिसे हमें इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से जॉइंट पे अटैच करना है, और जो लेस बच जाएगी वो हम नेक पे लगाएंगे। तो हम इस तरीके से थोड़ा ध्यान से ये लेस अटैच करेंगे इस पे। अब बची हुई लेस को हम इस तरीके से लगाएंगे नेक पे। नेक पे लेस लगाते टाइम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये नेक से नीचे उतरनी नहीं चाहिए और एकदम इक्वल आनी चाहिए। हम साथ के साथ थ्रेड्स काटते जाएंगे। अब इसे इस तरीके से रखते हुए आपस में सब जगह एक इस तरीके से स्टिच लगानी है दोनों तरफ ही। सारे पार्ट्स को आपस में साथ में पकड़ें और फिर स्टिच लगाएं ताकि कोई भी पार्ट आगे पीछे ना हो। साटन के फैब्रिक में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है। एक एक सिलाई लगाने के बाद डबल स्टिच ज़रूर करें। अब ये देखिए हमारी ऑलमोस्ट हमारी ये खूबसूरत सी छोटी सी फ्रॉक रेडी हो गई है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।